अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौजिया अदनान लश्करवाला है और मैं मेमन एक्सेलेंस फोरम की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हम मौजूद हैं आगोश ओल्ड एज होम में और ये हमारे लिए एक तरह से खुशी का बाइस भी है कि हम यहाँ पर इन ख़वातीन के साथ मिलने आए हैं, लेकिन एक तरफ से मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि ये माएँ जिनको घरों में होना चाहिए वो एक ट्रस्ट में मौजूद हैं और उनकी ज़िंदगियों में जो कमी है वो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी अपनी कोशिश से उनके चेहरों पर रौनक ज़रूर ला सकते हैं। आज का डे हमारा बहुत अहम है क्योंकि हम मेमन वर्ल्ड मेमन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आगोश के अंदर आके, और मेमन एक्सेलेंस फोरम ने इस चीज़ की एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, उसके अंदर तमाम लोगों की मैं शुक्रगुजार हूँ जो इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम में रौनक बख्शी। और मेमन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए हमें काम करना चाहिए जो कि एक बहुत ज़रूरी काम है, और इंशाल्लाह अगर सारे प्लेटफॉर्म मिलके एक जगह जमा होंगे तो हम मेमनों के लिए बहुत काम कर सकते हैं, जो कि मेमन कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करने का जो हमारा फ्यूचर प्लान है, जिसमें मेमन एक्सेलेंस फोरम का सबसे ज़्यादा जो मेन मकसद है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना है। इंशाल्लाह हम लोग स्किल्स पे काम करेंगे और लोगों को रोज़गार देंगे, और डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं हमारे लाए अमल में, इंशाल्लाह उसको भी हम बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। और हम चाहते हैं कि मेमन ब्रादरी की ख़वातीन हमारे साथ शामिल हों और हज़रात भी हमारे साथ शामिल हों, ताकि हम जो एक शुरुआत करने जा रहे हैं मेमन एक्सेलेंस फोरम के हवाले से, उसमें हम तरक्की कर सकें और एक नई बागडोर जो हमने संभाली है उसमें हम कामयाब हो सकें। बहुत शुक्रिया।